रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल आपको प्रमाइज करता है, वादा करता है कि जो भी सूचना दिया जाएगा वो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और लॉजिकल एनालिसिस पे होगा। हेलो दोस्त, रेलवे में ट्रांसफ़र कितने तरीके से हो सकते हैं? उससे पहले कुछ लोगों नए हैं इस चैनल पे, उनको बता दूँ रेलवे लाइफ एलपी का चैनल से एलपी हटा के दूसरे वाले चैनल पे एलपी मैंने लगा दिया है। इस चैनल का नाम केवल रेलवे लाइफ रह गया है। ये लोगों का सजेशन था कि ऐसा कर देंगे तो कोई ग्रुप डी एनटीपीसी या दूसरे कैंडिडेट ये नहीं समझेंगे कि रेलवे लाइफ एलपी चैनल केवल एलपी की इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए, उसको सुझाव को मानते हुए इसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी जेई मिनिस्ट्रियल पोस्ट और जितने भी ग्रुप सी एंड डी पोस्ट हैं उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही एक सहारा है या और कोई ऑप्शन है? तो वही बात करेंगे कि विवाह भी करो मैरिज भी करो, हो सकता है यहाँ भी एक ऑप्शन खुल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 3-4 प्रश्न मोटा मोटी लोगों का आया था, उसी प्रश्न को लेके यहाँ प्रश्न आंसर का एक टॉपिक बना दिया गया है, जिसमें पूछा गया था कि ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और मैं कह दूँ 5 ईयर तो लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, उसके लिए भी नोटिस दिखाऊंगा। साथ में ये भी कहूंगा कि 5 ईयर कम कैसे होता है, वो कंडीशन भी हम दिखा देंगे। और रेलवे लाइफ एलपी चैनल आपको वादा करता है कि इस चैनल पे जो भी दिखाया जाएगा ऑफिशियल या लॉजिकल टर्म में ही रहेगा, यानी लॉजिकल एनालिसिस के टर्म में रहेगा। तो यहाँ विवाह करने पे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, या इसके अलावा ट्रांसफ़र का क्या क्या कारण हो सकता है जिसके कारण से हम अपने घर पहुँच जाए। समझ गए होंगे लॉजिक। सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि मैं एक रेलवे से दूसरे रेलवे में, यानी प्रॉब्लम ये है कि हम ज्वाइनिंग के समय अपने घर से बहुत दूर वाला भर लेते हैं जहाँ कट ऑफ कम हो, और वहाँ से जॉब लेके फिर से घर आने का बैक रास्ता ढूंढने का उपाय क्या है, सिंपल वे में बोले। क्योंकि हर लोग चाहता है घर में जॉब करें, और घर जॉब करने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है, जिसके कारण से लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं। समस्या यही है या कुछ और है, कमेंट बॉक्स आपके पास है। लेकिन आपके पास यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें की बात करेंगे जो आपको दिखाने की बात करेंगे, और जो बोला गया है इस चैनल पर कि ऑफिशियली दिखाया जाएगा तो ऑफिशियली है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, देखिए, जिसमें भारत सरकार रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड के द्वारा नोटिस 7/6/2009 के टर्म में है, जिसमें बोला गया है कि अंतर रेलवे ट्रांसफ़र अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी जॉब में आप कर सकते हैं, यानी टाइम कितना ईयर के रूप में आप जॉब कर लेंगे तब आप रेलवे में ट्रांसफ़र का ऑप्शन मांग सकते हैं। तो यहाँ रेलवे कहता है कि आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम कितनी साल की सर्विस चाहिए, वो ध्यान देने वाली बात है, 5 साल की। 5 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कहेंगे हमने बहुत को देखा है कि जल्दी ट्रांसफ़र हो गया है, तो जल्दी के लिए भी रूल होता है, हर चीज़ का एक उपधान होता है। जैसे आपको रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो गलत चैनल को आप यहाँ आके रिपोर्ट करते हैं कि फलाने चैनल पे ये हो रही है, ये क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आपको चॉइस करना है कि आपको क्या देखना है। उसी तरह रेलवे ने भी ये 5 साल का जो उपबंध दिया है इसमें छूट दिया है 4 कैटेगरी का। देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, क्या उन 4 श्रेणियों के अलावा जिन्हें कोई 10/2/17 के संलग्नक में 5 वर्ष को प्रतिबंध से छूट दिया गया है, यानी 5 वर्ष तो है मिनिमम ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उसमें छूट प्रदान की गई है वो क्या है, 4 बिंदु पे है। वो 4 बिंदु को हम अगर ढूंढ लें तो हमारी सॉल्यूशन सारी ख़त्म हो जाएगी और इस वीडियो का मकसद भी पूरा हो जाएगा और थंबनेल की सारी बातें भी सही हो जाएगी। तो रेलवे बोर्ड ने कहा है, उस पर जवाब दिया है, इसमें आपकी ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 साल में क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा, और न्यूनतम 5 वर्ष की छूट देने की अवधि कर्मचारियों
के अतिरिक्त श्रेणी में शामिल करने के संबंध में इसके लिए सहमति नहीं दी गई है। यानी पांच चार कारण है, वो चार कारण बने रहेंगे साथ में आपकी, इसमें अगर 5 साल होता है उन 4 कारणों के अलावा तो उसमें भी आपको मिल सकती है। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रश्न को देखें तो अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो 5 साल आपको एक डिवीज़न में जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र का ऑर्डर मांग सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले चाहिए आपको ट्रांसफ़र, तो उस पहले ट्रांसफ़र के लिए ये 4 कारण बहुत ज़रूरी है। उसी 4 कारण को आपको लेके आए हैं जो आपको रूल नंबर 5/4/2017 के दिनांक में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें विषय क्या है, व्यापक स्थानांतरण नीति 5 वर्ष की सेवा में छूट है। यानी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष से पहले भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, बिल्कुल उसी का हिंदी है स्थानांतरण। यानी ट्रांसफ़र आप 5 साल से पहले ले सकते हैं, लेकिन उस छूट की कारण क्या है उसके बारे में है। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड की पत्र संख्या में 5 साल से पहले की छूट दिया गया है, वो सबको भेजा गया था, उसकी कारण क्या है उसको देख लें। और इस कारण को ढूंढने के लिए फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो वो 5 कारण हमारे पास यहाँ अवेलेबल है रेलवे लाइव चैनल पे। तो यहाँ पे देखिएगा, रेलवे लाइव चैनल पे आपको देखना है तो सबसे पहले देख लीजिएगा ऑफिशियल भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड, और व्यापक स्थानांतरण के 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष से कम में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन क्या है, पढ़ना चाहेंगे तो रेलवे की सारी कंडीशन एक एक करके लिखा हुआ है। तो यहाँ एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र का रूल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, और सारी चीज़ें को हमें ध्यान से यहाँ पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या देता है यहाँ पे, उपयुक्त विषय पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त संदर्भ दिन पत्र में पैरा 11 की ओर से आपका ध्यान दिलाया जाता है, जिससे यह उल्लेख किया गया है कि अराजपत्रित नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारी यानी CND LP ग्रुप डी NTPC JEE SSC एडमिनिस्ट्रियल पोस्ट और भी NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जितने भी आते हैं सारा ग्रुप CND के मामले में, उनके द्वारा रेलवे में ज्वाइन करने के 5 वर्ष पूर्व होने तक किसी भी अंतर राज्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी है क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 5 वर्ष की क्षेत्र में विशेष रूप से आपसी अदला बदली पे आधार पर पत्नी पत्नी स्पाउदी यानी शादी करने के आधार पर, यानी क्षेत्रीय रेल द्वारा ये किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड इस पे कोई विचार नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, रेलवे ज्वाइन करने के बाद किसी भी अंतरण पर अनुरोध नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड द्वारा, ध्यान दीजिएगा रेलवे बोर्ड द्वारा। लेकिन कहता है क्षेत्रीय रेलवे, जिसको क्या बोलते हैं, जोनल रेलवे, और जोनल रेलवे कौन से हैं, डिवीजन के ऊपर वाले जोनल, और सीधी भाषा में बोले तो आरआरसी के टर्म में कहें, और एक आरआरसी के अंदर भारत में कितने आरआरसी हैं, 16 हैं और 17वां निर्माण में है, तो 17वां की बात आएगी बाद में, तो उसको बाद में बात करेंगे, 16 हैं, उनके द्वारा कुछ प्रावधान दिया गया है, उन 4 प्रावधान अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको 5 वर्ष से पहले ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, आपसी अदला बदली यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके बारे में हम एक लाइन में देख लें तो इनको दिया गया है आपसी, किसके लिए, 4 कारण देखिए यहाँ पे डिनोटेड है, इंडिकेटेड है क्लियर रूप से, आपसी अदला बदली के आधार पर मांगा गया स्थानांतरण, ये 5 साल का रूल में नहीं आएगा, पहला कारण नंबर 1। दूसरा कारण है, अगर आप मेल हैं, मेल इम्प्लाई हैं, आपने फीमेल इम्प्लाई ऐसे इम्प्लाई से जो क्या किया है, विवाह किया है, जो दोनों जॉब में हैं, या और भी कोई कारण हो सकता है, उस कंडीशन में भी आप स्थानांतरण मांग सकते हैं रेलवे से। तीसरा है, ऐसे कर्मचारी जिनके दिव्यांग बच्चे यानी PwBD से संबंधित कोई बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना आवश्यक हो, उस कंडीशन में भी आप 5 साल से पहले अपनी ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। उसके बाद शारीरिक रूप से दिव्यांग रेलवे कर्मचारी जो PwBD ऑलरेडी
कर्मचारी ही PwBD है तो ये भी मांग सकते हैं। इनको 5 साल का क्रिटेरिया से छूट दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा लोग अभी तक जितने भी आपने चैनल देखा होगा केवल यही बात किया जाता है, कौन सा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अलावा भी 4 रूल है और इसके लिए एक दोस्त ने बहुत ध्यान से पूछा था कि मैं शादी कर लूँ तो क्या मुझे मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने है, अगर आपकी पति पत्नी या और पत्नी जब मेल एम्प्लॉई है तो वाइफ और फीमेल एम्प्लॉई है तो उसके हस्बैंड, दोनों में से अगर कहीं एक जॉब में अलग अलग है उस कंडीशन में भी आप ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। लेकिन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी RRC पे और आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप कितना अपनी बात RRC के सामने सही रूप से रख सकते हैं और सही से समझा सकते हैं कि मुझे ये ट्रांसफ़र बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरत है, तभी आपको ये ट्रांसफ़र मिलेगा। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और लिखा है, ऐसे स्थानांतरण, देखिए ऐसे ट्रांसफ़र में शामिल करने वाले अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। जो रूल है कि आप SEC वगैरह वगैरह ट्रांसफ़र होगा वो सब बदलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ये सारा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको ये सारी प्रोसेस में से किसी एक का होना चाहिए, नहीं तो आपको कितने इंतज़ार करना पड़ेगा, 5 ईयर, यानी 5 ईयर से पहले आप ट्रांसफ़र की अप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो उम्मीद है कि लोगों को जो सवाल था क्लियर हो गया होगा कि शादी करने से भी ट्रांसफ़र होगा क्या। तो एक ऑप्शन तो है दोस्त, अभी भी एक ऑप्शन बाकी है कि रेलवे बोर्ड चेन्नई से पटना आ जाए, पटना से दिल्ली चले जाए, दिल्ली से बड़ोदरा चले जाए, बड़ोदरा से मुंबई चले जाए, यानी ऑप्शन आपके पास लाइव है। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होता है ये रेलवे पे डिपेंड करेगा और वो आपको आपकी टाइम, आपकी फ्यूचर, आपके RRB या आपके जोन पे निर्भर करता है। थैंक यू।